नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य गुजरात मॉडल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सरकार प्रदर्शन से कितना डरती है और पुलिस का अमित शाह किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पूरे दिल्ली में आप देखेंगे तो हर जगह बैरिकेड कर दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और हर जगह बैरिकेड है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में भी यही मॉडल अप्लाई किया जा रहा है। और पुलिस का किस तरह से डर दिखाया जाता है, किसी को जेल में डाल देना, पेगासस आपको पता है। और मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ। आज कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट में एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। रोज जंतर मंतर पर बैरिकेड कर दिया गया है। जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पुलिस का किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाता है वो दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए। अमूमन मैं 18 साल से दिल्ली में हूँ, ये सब चीज़ें खाली होती थी। आज धरना प्रदर्शन है और किस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और बड़े अधिकारियों को यहाँ लगा दिया जाता है और पूरे बड़े बड़े बैन खड़े कर दिए जाते हैं, लोगों को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रोटेस्ट में लोग आए ही नहीं। इस तरह की लगातार कोशिश होती है और इस तरह से डिप्लॉय कर दिया जाता है। पत्रकारों को भी छूट नहीं है। जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर दिया गया है, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जंतर मंतर एक जगह थी जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करते थे, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और सोचिए कि ये सरकार किस तरह से प्रदर्शन से डरती है। तो पहले भी मीडिया किस तरह के प्रदर्शन को दिखाती नहीं है। अगर कोई धरना प्रदर्शन करना भी चाहे तो परमिशन नहीं है, और इस तरह से पुलिस किया डिप्लॉयमेंट किया जाता है कि कोई खबर ही ना बने। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से। देखिए, रासीना हिल्स पर पूरा जो है वो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है और एक लिमिट सीमित क्षेत्र में, जबकि इसी दिल्ली में रोज धरना प्रदर्शन बीजेपी का होता था। अन्ना का पूरा आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान का पूरा आंदोलन हुआ। लेकिन जब से अमित शाह की दूसरी सरकार आई है, पहले में लोग धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे थे, दूसरे में अब धरना प्रदर्शन आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस का जो बेजा इस्तेमाल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो बेजा इस्तेमाल है, वो सरकार द्वारा किया जाता है इस तरह के धरना प्रदर्शन को लेकर। और ये देखिए किस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और मेरी अभी एक पुलिस वाले से बहस भी हुई थी पार्किंग को लेकर। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है, वो प्रदर्शन आपको दिखा रहा हूँ जो एससी सेल ने आज बनाया, कॉल किया था कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ। और उसी को लेकर जो पहले वीडियो था, वो सिक्योरिटी किस तरह से सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, एससी सेल के चेयरमैन का ने एससी डिपार्टमेंट ने इसको कॉल प्रोटेस्ट कॉल किया था। और जंतर मंतर पर अब धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी और खड़गे भी आने वाले हैं। और ये देखिए, दूर दूर से लोग आए हैं, वो अपना खाना खा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। देखिए, नितिन राउत का भाषण हो रहा है, राहुल गांधी आने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, और जमावड़ा अच्छा है, बहुत जमावड़ा है। नितिन राउत खुद बोल रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी आज बड़ी बैठक कर रहे थे, सर्वदलीय एक बैठक की है। तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं बैठी हुई। लेकिन लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये, और देखिए किस तरह से उस तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था। एक तरफ से आप आ सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए, मैं दलितों के साथ खड़ा। राहुल गांधी जो हैं वो हाथरस भी गए थे, अभी दिल्ली कैंट भी गए थे। रिजर्वेशन नहीं मानते, वो रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। और वो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस
तस्वीरें दिखा रहा हूँ दोस्तों। आज देश के अंदर कांग्रेस की बलात्कार की घटनाएं हो रही 2014 के बाद तकरीबन 50,000 का आंकड़ा पार करने जा रही है। अकेले श्रेणी के अंदर ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं देखी है। हमारे जो छात्र शिक्षा के लिए चाहते हैं उनकी स्कॉलरशिप बन रही है और ये युवा नेता जी से निराश हो जा रहे हैं। रिजर्वेशन बंद हो गया, ये तमाम बातें जहाँ पर केंद्र की सरकार कर रही है, ये निगमनी सरकार है, ये सरकार कर गई अभी वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ पे बनेगी तो केवल राहुल गांधी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी, दूसरी कोई नहीं बढ़ेगी। दोस्तों मैं इस बात से यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी जब भी दलितों के साथ मिलने आते हैं, सांत्वना करने आते हैं, बात करने आते हैं, डर जाती है सरकार, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर देती है। आज भी कांग्रेस के साथ ट्विटर अकाउंट बंद हो चुकी है। आज सवेरे भी राहुल जी आपके लिए लड़ रहे थे पार्लियामेंट में, वहां से उन्होंने विजय स्तंभ मार्च लिया। ऐसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को मैं निमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने विचार आपके समक्ष रखे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी जी। संख्या काफी है, तस्वीर दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, उनको ये देश बोलो भाई साहब अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था। और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, वो खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन है उनका उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट आ गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले,
जो देश को रोजगार देते हैं उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भीड़ काफी है, काफी संख्या। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट का पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया। बाकी को मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूँ ये हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूँ हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाई और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझदार है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में दलितों में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर ले गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सवाल पूछने की आवाज है उनका, उनका जो नारा है, उनका जो जुमला है उसकी सच्चाई क्या है, उसका झूठ क्या है, ये देश उनसे पूछना शुरू करे, देश देख रहा है। आज भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है रात में, जिस तरह का सुनने में आ रहा है। प्रशासन व्यवस्था दिल्ली की अमित शाह जी के हाथ में है और वो लोगों की, विपक्षियों की, सरकारों के अलावा जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करने में व्यस्त है, तो सुरक्षा क्या कर पाएंगे? पूरी तरह से ये केंद्र सरकार की शह पर हो रहा है और यहाँ जो छोटे रिचार्ज बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी चुप्पी और शर्मनाक है, दोनों की मिली भगत से इस तरह की घटनाएं हो रही है। जैसे क्या लग रहा है यूपी इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश दिख रही है? जाहिर सी बात है, और क्या है, ये पूरी तरह से उसी का बीज बोया जा रहा है। चाहे दिल्ली, तस्वीरें आपको दिखाई मैंने किस तरह से पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और लगभग इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सिर्फ घोषित नहीं है लेकिन टीवी मैनेज है, अखबार मैनेज है और अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहें तो पुलिस के दम पर आपको रोक दिया जाता है। तो मान के चलिए कि डेमोक्रेसी है ही नहीं देश में और खासकर अमित शाह की ये स्ट्रेटजी होती है, यही गुजरात मॉडल है कि कोई धरना प्रदर्शन ही ना होने दिया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।